नमस्कारम सद्गुरु। मेरा सवाल मृत्यु के बारे में है। तो जिन्होंने साधना की है और जो मर चुके हैं, जैसे कि मेरे दादी दादा जिन्होंने आपसे दीक्षा ली थी, क्या उन्हें मुक्ति मिल जाएगी? मैं पिछले 3 दिनों से इस किताब में डूबा रहा हूँ। ये महाशिवरात्रि के दिन प्रकाशित होने जा रही है। ये किताब मृत्यु पर है। ये अंदर की बात है, ये सिर्फ उनके लिए है जो मर जाएंगे। ये अमर लोगों के लिए नहीं है। तो आप तो जानते ही हैं, ये वो बातें हैं जो मैंने कही हैं, लेकिन मैं पढ़ रहा हूं और अब मैं I'm looking at all the वो तमाम बेवकूफ़ी भरी चीज़ें देख रहा हूँ जो जीवन के गहरे आयामों के बारे में कही जाने वाली हैं, क्योंकि लोग इसे संदर्भ से बाहर ले जाएंगे और इसे चारों ओर फैलाएंगे, क्योंकि यहाँ ऐसे लोग भी हैं जो व्हाट्सएप पर PhD कर रहे हैं, पता है ना? तो मैं बस इससे पैदा होने वाले अलग अलग नतीजों के बारे में सोच रहा था, पर कोई बात नहीं, मैं वही कहूंगा जो मैं कहना चाहता हूं। मैंने हमेशा कहा है अपने जीवन के शुरुआती हिस्से में मैंने इसे बहुत सीधा सीधा कहा है, लेकिन क्योंकि हमारे मन में ध्यान लिंग थे, मैं थोड़ा सा व्यवहार कुशल बन गया। मैंने वही बातें कहीं, बस आवरण थोड़ा अच्छा रखा। मैंने खुद भी अच्छे कपड़े पहनना शुरू कर दिया, वरना मैं हर तरह से दो टोक था। तो ज़्यादातर बातें उन दिनों से आई हैं जो कि बहुत खरी खरी थी, दो टोक थी। एक बार फिर मैं उस तरफ जा रहा हूँ। ये व्यवहार कुशलता, इस व्यवहार कुशलता का समय पूरा हो गया है। हो सकता है एक और साल थोड़ी और व्यवहार कुशलता रहेगी, उसके बाद हम बिल्कुल बेबाक हो जाएंगे। मुझे नहीं पता था इसकी इतनी फैन फॉलोइंग होगी, क्योंकि सामाजिक वास्तविकता बदलती रहती है, लेकिन किसी को तो ये बताना ही है कि सच क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मोस्ट ऑफ द बीइंग्स ऑन दिस प्लैनेट हु अराइव्ड एट Some profound dimension within themselves. इस दुनिया में अधिकतर लोग जो अपने भीतर किसी गहरे आयाम तक पहुंचे, आमतौर पर उन्हें उनके जीती जी समझा नहीं जा सका है। हम इतने दुर्भाग्यशाली नहीं हैं। मुझे बताया जा रहा है कि अब तक 1 अरब से ज्यादा लोग हमारे वीडियो देख चुके हैं। ये मेरे लक्ष्य का 16% है और आप ताली बजा रहे हैं। मेरी असफलताओं का जश्न मत मनाइए। तो ये हर पीढ़ी में था। जब भी एक आत्मज्ञानी आए, असली बुद्धिमानों ने कभी अपना मुंह नहीं खोला। मेरे जैसे अति उत्साही लोगों ने अपना मुंह खोला और अक्सर मारे गए, या उनमें से कुछ इतने समझदार थे कि उन्होंने अलग अलग तरीकों से इसे एक जामा पहनाया और इसे एक सामाजिक प्रक्रिया का हिस्सा बनाने की कोशिश की। लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने जो कुछ भी कहा उसका हजारों अलग अलग तरीकों से गलत अर्थ निकाला गया और लोगों ने अपनी सुविधा के अनुसार इसे तोड़ा और मरोड़ा। लेकिन आज हमारे पास ये सुविधा है कि हम जो कुछ भी कहते हैं वो रिकॉर्ड किया जाता है। लोग आसानी से गलत मतलब नहीं निकाल सकते, क्योंकि हम रीप्ले करते हैं। It's
ऐसा नहीं है कि हम पहले झिझकते थे, लेकिन कुछ बातें कहने से कभी कभी बचते थे, सिवाय करीबी सर्कल के। लेकिन मुझे लगता है कि अब जब 1 अरब लोग हमारे वीडियो देख रहे हैं, अब ये दुनिया ही करीबी सर्कल है। मेरे दिलो दिमाग में वो पहले से ही करीब थे, लेकिन अब उनके दिल और दिमाग में भी मैं उनके करीब हूँ। इसलिए हम सिर्फ यहाँ बैठे लोगों से सीधी खरी खरी बात नहीं कर सकते, हम सबसे ऐसी बात करते हैं, क्योंकि जो इसे पचा नहीं सकते उनका क्या करें, उन्हें टॉयलेट जाना पड़ता है। तो ऐसा रुख क्यों? मुझे लगता है कि इससे पहले कभी भी दुनिया सीधे वार के लिए तैयार नहीं थी। ऐसा वैसा करने की कोई जरूरत नहीं है। ये हर तरह की चीजों को लेकर जो ओवर एक्सपोजर है, बहुत ही कम उम्र से ही हर कोई हर तरह की चीजों के संपर्क में आ रहा है, इसने लोगों को एक तरह से बहुत ज्यादा एक तरह से हार्डकोर बना दिया है। तो उनसे हल्की पुल्की बातें करने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए डेथ बुक एक बहुत ही कठोर वक्तव्य है। जानबूझकर हमने इसे भाषा को निखारे बिना, वक्तव्यों को निखारे बिना रहने दिया है, बिल्कुल वैसे का वैसा ही जैसे ये कहे गए हैं, क्योंकि ये किसी ऐसे इंसान से कहे गए थे जो उस वक्त एक सच्चा सवाल पूछ रहा था, एक सच्चा साधक था, वैसे का वैसा जैसे उसे बताया गया था। अब हम दुनिया से इस तरह से बातें कर रहे हैं और इससे बहुत हंगामा खड़ा होने वाला है। तो अगर आपको लगे कि सद्गुरु ने वो सभ्य आवरण खो दिया है और आप जाना चाहें तो आप जा सकते हैं, मेरा मतलब जंगल में, क्योंकि ये समय इंसानियत के जीवन काल में ये समय बहुत महत्वपूर्ण है, लोगों तक पहुंच बनाने के मामले में और संपर्क बनाने के मामले में। इंसानियत कभी इस स्तर की पहुंच और संपर्क नहीं बना पाई है। तो ये सुपर ओवर है, हमें हर गेंद पर छक्का लगाना होगा। वो शायद प्यार की तलाश में होंगे, सेक्सुअलिटी की तलाश में, या बस अमेज़न पर कुछ खरीदना चाहते होंगे, या वो मृत्यु और आत्मज्ञान की तलाश में होंगे। जिस तरह की आबादी हम लोग बन गए हैं और जिस तरह के सशक्तिकरण तक पहुंच गए हैं, अगर अब हम अंदर की ओर नहीं मुड़े तो हम वो सबसे बड़ी आपदा बनने वाले हैं जो मानवता ने कभी देखी होगी। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, इंसान, और इंसान के साथ जो सिर्फ और सिर्फ एक लौती प्रॉब्लम है वो है, वो अचेतन है और आदतों से विवश है। चाहे आप टेक्नोलॉजी को देख लें, या आप राजनीति को देखें, आप धर्म को देखें, या आप उद्योग और बिजनेस को देखें, मैं इस धर्त की सारी मेन ताकतों की बात कर रहा हूं, ये सारी विवशता में और अचेतनता में काम कर रही हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि सीखों को भी हिला देने वाला होना पड़ेगा, नहीं तो उनको नजरअंदाज करना बखूबी आता है। ये सिर्फ असर डालने के लिए नहीं है, सच तो वैसे भी ऐसा ही है, सच चौंकाने वाला होता है। कुछ लोगों के पास सच को निगलने और ठीक बने रहने लायक पाचन तंत्र होता है, अगर आप उन्हें सच्चाई देंगे तो वो बिदक जाएंगे। आपकी अपनी सच्चाई मैं कह रहा हूं, अगर आप उन्हें उनके बारे में सच्चाई बताएं तो वो भड़क जाएंगे, क्योंकि उनको हमेशा सिर्फ नाम के सभ्यता की प्रक्रिया, धार्मिक प्रक्रिया और अन्य चीजों के द्वारा अच्छा होना सिखाया जाता है। अगर आप
एक पूर्ण इंसान के रूप में खिल जाएं, तो आपको अच्छा होने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप में अच्छा है बस। इसलिए आपको अपने आप को तैयार रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी प्रक्रियाएं हो रही हैं। हमने कई जगह आग लगाई है जो धीरे धीरे रोशन होगी, और साथ ही दुर्भाग्य से हमें सिर्फ इंसानों से ही नहीं, पर्यावरण से भी निपटना है, पर्यावरण को भी संभालना है। काश ये काम हमारा न होता, लेकिन वो एक बहुत विकराल समस्या है। इतना कि लोग मुझे पेड़ लगाने वाला कह रहे हैं, जो कि मुझे पसंद नहीं है। अब इस 1 खरब पेड़ अभियान के साथ मैं, अरे मैं एक नियुक्त किया हुआ पेड़ लगाने वाला बन जाऊंगा, तो खुद को उससे बाहर निकालने के लिए भी मुझे आध्यात्मिक पहलुओं को थोड़ा और सख्ती से बनाना पड़ेगा, नहीं तो लोग सोचेंगे मैं पेड़ लगाने वाला आदमी हूं। पेड़ लगाना कोई बुरा काम नहीं है, लेकिन मेरा काम लोगों को फूलों की तरह खिलाना है, न कि पेड़ लगाना। तो आम तौर पर खाद का स्वाद बुरा, मेरा मतलब उसकी गंध बुरी होती है, मैं कहने वाला था स्वाद खराब होता है, वो भी हो सकता है, है ना? एक बड़ा ही उत्साही सेल्समैन था, उसने टेनेसी के नैशविल में एक नया एरिया उभरते हुए देखा, तो उसने जाकर एक दरवाजा खटखटाया। एक महिला आई और दरवाजा खोला, वो सीधा अंदर घुस गया और एक थैला निकाला और खूब सारी घोड़े की लीद निकाली और उसको पूरा नए कालीन पर बिखेर दिया और बोला, देखे मेरे पास एक नया बिल्कुल लाजवाब वैक्यूम क्लीनर है, बिना कोई निशान छोड़े, ना कोई दाग, ना थोड़ी सी भी बदबू छोड़े, ये सब कुछ साफ कर देता है और आपके कालीन को एक बढ़िया महक देता है। बस यूं ही केवल 5 मिनट में ये कर दूंगा, अगर मैं ऐसा ना कर सका तो मैं इस घोड़े की लीद का एक एक टुकड़ा खा जाऊंगा। तब महिला ने कहा, रुको मैं थोड़ा सा टोमेटो कैचअप लेके आती हूं, क्योंकि ये घर नया है, अभी हमारे यहां बिजली नहीं आई है। तो आप जानते हैं ना, जब आप गोबर खाने के लिए मजबूर हैं, टोमेटो कैचअप मदद करता है। तो इस टोमेटो कैचअप की वजह से दुनिया में बहुत सारा गोबर खाया जा रहा है। थोड़े से कैचअप के कारण आपको ये पता नहीं लग रहा कि क्या गोबर है और क्या असली नाश्ता है। तो हम टोमेटो कैचअप हटा देंगे, मैं बस इतना ही कह रहा हूं, गोबर गोबर ही होता है। तो आप आपकी दादी की बात कर रहे थे, हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं अगर वो इच्छुक हैं, अगर वो दीक्षित हैं तब तो पक्का, लेकिन इसके कई आयाम हैं। इस तरह की छोटी सी मुलाकात में मैं इसे खोलना नहीं चाहता, और साथ ही मैं डेथ बुक की बिक्री पर असर क्यों डालूं? क्योंकि अब तक मैंने कभी इस बात की परवाह नहीं की कि कितनी किताबें बिक रही हैं, ये कहां तक पहुंच रही हैं, लेकिन अब मैं प्रकाशकों से पिछले 2-3 दिनों से मिल रहा हूं, और जैसा कि मैं, आपको पता है ना, अलग अलग विषय हैं और अलग अलग सवाल हैं जिन्हें मैं हैंडल करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन उनकी नज़र हमेशा इस बात पर है कि महाशिवरात्रि में कितनी किताबें बिकेंगी। तो मैं उन्हें निराश नहीं करना चाहता,
क्योंकि कितनी किताबें बिकती हैं इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उन्हें इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा, इसलिए आपको पहली कॉपी खरीदनी चाहिए। ये किताब की बात नहीं है, बात यह है कि इस तरह के पहलुओं के लिए हमें अलग तरीके से बैठना चाहिए, ऐसे नहीं। मैं अभी शाम के समय एक मिलनसार मूड में हूं, तो हमें उस सवाल का जवाब देने के लिए एक अलग तरह का होना होगा।